दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुनिशा शर्मा सुसाइड केस के बारे में। जी टीवी की सुर्खियों में चल रही तुनिशा शर्मा की मात्र महज उम्र बताई जा रही है 20 साल, जिन्होंने अपनी सुसाइड कमिट कर ली है शिजान मोहम्मद खान की वजह से। हाल ही में चलते बहुत सारे बातें इस पर बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं, जिसमें से उर्फी जावेद जी, हाँ, फैशन आइकन कहलाती हैं, आप सभी जानते ही होंगे। इन्होंने कहा है कि तुनिशा शर्मा के केस में शिजान मोहम्मद खान की कोई गलती नहीं है। उसका रीजन ये है कि शिजान ने चीट जरूर किया है। जी हाँ, मैं खुद कहूंगी कि लव जिहाद का मामला एक और सामने आया है, लेकिन शिजान ने उसको चीट जब कर दिया था, वो अपनी जिंदगी में मूव ऑन भी कर सकती थी। क्या इतनी मोहब्बत थी कि वो अगर कोई आपकी जिंदगी में आपके प्रीशियस टाइम को नहीं एक्सेप्ट करता है, तो आप जरूरत नहीं है आप उसके लिए सुसाइड कमिट करती हैं। आप अपना रास्ता बदल भी सकती थी, आप मूव ऑन भी कर सकती थी। सुसाइड करना उनका निर्णय था, तुनिशा शर्मा का, इसमें शिजान मोहम्मद खान की कोई गलती नहीं थी, ऐसा उर्फी जावेद ने कहा है। लेकिन हाल ही में आपको पता है कि लव जिहाद के बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस के बाद हाल ही में सुर्खियों में बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए हैं, जिसमें से ये एक्टर, जी हाँ, शिजान मोहम्मद खान, जो कि सुर्खियों में अपनी एक्टिंग के लिए बने हुए, बहुत ज्यादा गलत किया है। क्योंकि जानने और सुनने में आ रहा है कि तुनिशा शर्मा अपनी मौत से पहले प्रेग्नेंट भी थी। जी हाँ गाइस, बहुत सारी बातें आ रही हैं, तो इसी तरीके के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस में आपके लिए आगे लाती रहूंगी। 16 दिसंबर को तनिशा को एंजाइटी का अटैक भी हुआ था। हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी माँ को बताया था कि शिजान ने चीट कर दिया है।